मीरा भयंदर शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नागरिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप शहर में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए मीरा भयंदर नगर पालिका प्रशासन सहित सभी राजनीतिक दलों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अगले 2 दिनों में 100% लॉकडाउन करने का फैसला किया है। सभी पार्टी नेताओं, उप महापौर हसमुख गहलोत, स्थायी समिति के अध्यक्ष दिनेश जैन, नेता सदन प्रशांत दलवी, नेता प्रतिपक्ष प्रवीण पाटिल और आयुक्त दिलीप ढोले के साथ साथ संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार को महापौर ज्योत्सना हसनाने की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कोरोना के प्रकोप ने कई स्थानों पर संवेदनशील क्षेत्र बन गए हैं, जिस पर बात हुई। यदि इस क्षेत्र में सोसाइटी में एक से अधिक कोरोना रोगी पाए जाते हैं तो कोरोना के लिए उस सोसाइटी के सभी सदस्यों का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि टेस्ट किया जाएगा। इन सड़कों को अब भीड़भाड़ वाली सड़कों के साथ यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में सुबह 7 से 11 बजे तक सब्जी और किराने के सामान के दुकानदारों को अनुमति है खोलने के लिए, लेकिन कितने दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके चलते अब उन्हें जुर्माना दिया जाएगा। वार्डवार कोविड समिति की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी बार जुर्माना भी लगाया जाएगा, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो लॉकडाउन तक दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। 300 से अधिक सुरक्षा गार्डों को तैनात करने के लिए अस्थायी अनुमति दी गई है, ताकि पूरे लॉकडाउन के लिए सुरक्षा गार्डों की कमी न हो। मीरा भयंदर शहर में नगर पालिका जम्बो कोविड केंद्र में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त और ICU बेड बनाए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वर्तमान शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति संतोषजनक है। इसके साथ ही कमिश्नर दिलीप ढोले ने कहा है कि रेमडेसिविर वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है। बीजेपी के नेता प्रशांत दलवी ने मांग की है कि शहर में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर पालिका और निजी स्कूलों में कोरोना टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासन ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसके अनुसार कमिश्नर दिलीप ढोले ने जानकारी दी है कि 18 मई से अधिक आयु के नागरिकों को इन सभी स्थानों पर 1 मई से टीकाकरण किया जाएगा। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की आपूर्ति करने वाले 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश यादव, वीरेंद्र साहू और राहुल यादव के खिलाफ काशीमीरा पुलिस के स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। महेंद्र पुलिस स्टेशन के जितेंद्र उतले को सूचना मिली थी कि काशीमीरा में अरसा लॉज में वेश्यावृत्ति चल रही है। जाल सेट होने के बाद मीरा रोड की एक महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बुलाया गया और दुकानदार को बेच दिया गया, तभी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भयंदर में पिता और बेटे के लिए ऑनलाइन शराब खरीदना पड़ा महंगा। शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के बाद ठगों ने उनके बैंक खाते से 7,39,513 रुपए उड़ा लिए। मीरा गांव में रहने वाले प्रवीण शर्मा और उनके बेटे सिद्धेश शर्मा को एक अजनबी ने ऑनलाइन शराब बेचने का लालच दिया। फोन से जानकारी लेने के बाद ठग ने उनके बैंक खातों से लाखों रुपए साफ कर दिए। इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।